ये जावरा है ये जावरा अपने राजस्थान अजमेर में और इसको जावरा बोलते हैं और अपने दिल्ली में इसको गुलदारी बोलते हैं और अहमदाबाद में इसको सेवंती बोलते हैं इसका अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से इसको पहचानते हैं और इस पौध को हमने शिमला से मंगाया इसकी पौध है, और ये हमारे करीब पाँच बीघा क्षेत्र में लगाया हुआ है और पूरा डीप इरिगेशन के हिसाब से लगाया ये तीन बाई एक फुट के हिसाब से इस पौध को हम लगाते हैं और इस ये जो शिमला की जो पौध है शिमला मेन जहाँ पैदावार होती है इसकी वहाँ एक ही बार उत्पाद होती है और इसको हम हमारे इस अजमेर में इसकी दो बार फसल का उत्पादन होता है अभी जन फर्स्ट जनवरी में इसकी पौध लगाई जाती है और तीन चार महीने बाद में ये जो गर्मी मार्च है मार्च के अंदर ये चालू हो जाता है उसके बाद में फिर ये दूसरी बार अक्टूबर अक्टूबर में वापस इसकी दूसरी फसल आ जाती है और भारत के अंदर ये डबल फसल ये केवल अजमेर ज़िले में ही होती है ना कि शिमला में शिमला का जो बीज है शिमला में एक ही दफ़े इसकी पैदावार होती है और ये ऑफ सीजन में इसकी पैदावार चालू होती है इस सेवंती में ये जो गोदावरी है इसका विशेष ध्यान एक खतपरवार दूसरा इसकी जो दवाई का है स्प्रे इस का इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है तीसरी बात जो इसकी ज़मीन के अंदर दीमक है दीमक का तो विशेष ही ध्यान रखना पड़ता है इसमें क्योंकि इसका पौधा मीठा होता है इसका पौधा मीठा होने से दीमक ज़्यादा लगता है और इसकी जो पैदावार है जिसकी पैदावार करीब ढाई लाख बीघे के हिसाब से पैदा होती है और ये ऑफ सीजन में चालू होता है और इसको करीबन सौ रुपये से डेढ़ सौ रुपये किलो तक इसका भाव मिलता है सौ रुपये से इसका बाज़ार कभी कम नहीं होता है इस सेवंती का जो खर्चा है करीबन हमने जो पाँच बीघा में बोया है उसका खर्चा करीबन दो लाख रुपये इसका खर्चा है और ढाई लाख बीघे के हिसाब से इसकी आमदनी हमारे को अभी हुई है तो करीबन पाँच बीघे के अंदर इसमें जो खर्चा होता है उस को नेट काट करके साढ़े दस लाख रुपए करीबन हमारे नेट बच जाते हैं और बहुत ही इसकी बढ़िया पैदावार है और बहुत ही बढ़िया इसकी स्कीम है और ये इसकी जो पौध जो हम लाते हैं ये शिमला से करीब चार रुपए की एक पौध हमारे को मिलती है उसके अलावा किराया खर्चा वो अलग है अगर कोई भी भाई इसकी जो जानकारी लेना चाहें तो हमारे से ले सकते हैं इसका विशेष ध्यान रखना है कि एक तो जो पानी जो अपने कुएं का पानी है बोरवेल का पानी है जो भी है वो पानी मोटा नहीं होए, है खारा नहीं होए, एक ज़मीन ज़्यादा चिकनी नहीं होए और खरापन ज़मीन में न हो इसकी अगर ज़मीन में खरापन होए तो इसका विशेष वैज्ञानिक को द्वारा इसकी ज़मीन की मिट्टी की जांच करा ले और इसकी जानकारी के लिए मेरा नंबर भी मैं देता हूँ बयासी नब्बे उनतीस पच्चीस और छत्तीस ये मेरे नंबर हैं कोई भी भाई किसान जानकारी लेना चाहें वो मेरे से ले सकते हैं मेरे किसान भाई यो से निवेदन है कि कोई भी किसान भाई अगर ये फूलों की खेती करना चाहें तो हम इसकी जानकारी भी दे सकते हैं और इसकी जो पौध है उसकी पौधों की हम हाइब्रिड जो पौधे हैं उसकी नर्सरी अपने खुद के पे बनाते हैं और यहाँ से हम ये इस नर्सरी की पौध आपको जो चाहे उसको हम आपको फोन करें तो फ़ोन पे आपको उपलब्ध कराई जा सकती है या फ़ोन से संपर्क करो तो आपको इस फूलों के बारे में या पौध मिल सकती है हम कौन कौन सी फूलों की जो खेती करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले गेंदा जिसको अपन हजारा भी बोलते हैं एक इसकी बुआई करते हैं इसकी पौध हमारे पास मिलती है एक जो गेंदी है जो अपने राजस्थान में गेंदी बोलते हैं और दिल्ली और अहमदाबाद में इसको बिजली बोलते हैं इसकी पौध हम तैयार करते हैं एक शिमला से जो जावरा लाते हैं जिसको गुलदावरी बोलते हैं उसकी भी पौध तैयार करते हैं हम और एक देसी जो लोकल जावरा है उसको भी गुलदावरी बोलते हैं इसकी भी हम पौध तैयार करते हैं एक कलकत्ती जो कलकत्ता की जो पौध है बस एक बसंती है और एक कलकत्ती है उसका हाइब्रिड बीज हम तैयार करते हैं इसके अलावा जो पीली जो अपन बोलते हैं कटिंग वाली कलकत्ती एक जाफरी जिसको बोलते हैं वो लाल होती है और एक जाफरी में होता पीला जिसको अपन घोटी बोलते हैं है ये सभी प्रकार की कोई भी वैरायटी है सभी फूलों की वैरायटी की हम पौध तैयार करते हैं हमारी हमारे से संपर्क करें हमारी नर्सरी का नाम है नवीन नर्सरी कृषि फार्म ग्राम नदी सेकंड ग्राम पंचायत डुमरा वया तहसील व जिला अजमेर राजस्थान मेरा फ़ोन नंबर है बयासी नब्बे उनतीस पच्चीस छत्तीस दूसरा नंबर है सत्तानवे निन्यानवे ग्यारह ग्यारह बावन इस नंबर पे आप कभी भी कोई भी मौसम में आप फोन करो आप संपर्क करो हमारे से हर मौसम के हिसाब से हर वैरायटी के की पौध आप तैयार मिलेगी